की बाग स्थित ओवरब्रिज के निकट होटल आदित्य के पास किसी अज्ञात वाहन से चोट लगने के कारण घायल हुए लावारिस गाय को विश्व हिंदू युवा वाहिनी संघ द्वारा इलाज करवाया गया। बता दें कि एक लावारिस गाय जिसका पैर टूटा हुआ था वो दर्द से कराह रही थी। सूचना मिलते ही विश्व हिंदू युवा वाहिनी संघ के सुप्रीमो आशीष गोस्वामी अपनी टीम के घटना स्थल पर पहुंचे। गाय की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने पंचमुखी मंदिर स्थित पशुपालन विभाग के मवेशी चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा गाय का इलाज करवाया। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा निवासियों से कहा है कि कहीं भी अगर कोई ऐसी लावारिस गाय मिले तो फौरन संगठन को सूचित करें ताकि गौ सेवा के माध्यम से उनका सही समय पर सही उपचार करवा सके। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा करके कई बेजुबान गायों की जान बचाई जा सकती है। इस तरह से बेजुबान गायों के साथ दिन प्रतिदिन होते हादसे के कारण संगठन सुप्रीमो आशीष गोस्वामी ने बिहार सरकार और पूर्णिया जिला प्रशासन से गौरक्षा हेतु गौशाला की मांग की है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार, नगर अध्यक्ष अमर चौधरी, नगर उपाध्यक्ष सोनू कुमार, मनोज सिंह, प्रखंड अन्न अध्यक्ष सचिन कुमार महतो, रजत कुमार महतो, विवेक पासवान, आनंद कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। शहर में इस तरह का पशु के साथ में घटना होती रहती है और जो है कि अभी पक्षी बाग ओवरब्रिज के नीचे हम लोग है, किसी अज्ञात वाहन के द्वारा जो है कि ठोकर लगने पर जो इनका पांव टूट गया है। बिहार सरकार और पूर्णिया जिला प्रशासन से गौशाला की मांग करता हूँ, विश्व हिंदू वाहिनी संघ मांग करती है और जो हमारे कोक्सीबा के जो ग्रामीण हैं उनकी भी मांग है कि भाई गौशाला होना चाहिए, कि इस तरह का घटना जो है आए दिन सड़क दुर्घटना में होती रहती है। इसे पशु के साथ में बहुत ही दुखद घटना है ये, और अभी हम लोग जो है कि ठेला पर अभी ला करके जो है अभी सुई वुई दिलवाए हैं, जो अभी मवेशी अस्पताल के चिकित्सा आए थे और ट्रीटमेंट जो भी हो रहा है हम लोग प्रत्येक दिन करवा रहे हैं और अभी भी हम लोग सुई हुई दिलवाए हैं। और फिर अभी मेरी मवेशी अस्पताल के डॉक्टर से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कुछ दिन लगेगा ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी तो मान लीजिए हम लोग से जो भी सेवा हो पा रहा है हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार और पूर्णिया जिला प्रशासन से गौशाला की मांग करता हूँ कि गौशाला होने पर इस तरह की घटना नहीं होगी शहर में, और शहर में अगर होती भी है तो जो सेवा का जो काम हम लोग कर रहे हैं गौशाला के द्वारा भी किया जाएगा। गौशाला होने पर बहुत जो है कि लाभ मिलेगा हम सभी को, क्योंकि अगर इस तरह की घटना अभी मान ली हम लोग इसको ठेला पर लेकर के आए हैं और ये ब्रिज के नीचे हम लोग रखने का काम कर रहे हैं, अगर अभी गौशाला रहता हमारे पूर्णिया जिला में तो अभी हम लोग गौशाला में रखने का काम करते, ना कि इस ब्रिज के नीचे हम लोग रखने का काम करते। तो गौशाला नहीं है पूर्णिया में, इसलिए अभी हम लोग ओवर ब्रिज के नीचे इसको रख करके इनका इलाज जो भी हो पा रहा है हम सभी से हम लोग करवाने का काम कर रहे हैं। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। अरे ये गाड़ी किसने लगा दी यहाँ पे, अब क्या करूँ। अरे यहाँ तो ऑटो फायर्स का स्टिकर लगा है, इसके QR को स्कैन करके मैं इसके ऑनर को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले। अच्छा आप ही हैं क्या जिन्होंने ये ऑटो फाइल का QR स्कैन करके मुझे मैसेज किया था। अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूँ यहाँ से।